हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का प्रतिभा चौहान व्लॉग्स पर। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अपने परिवार वालों के साथ व्यस्त होगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है जी मेरे साढ़े सात बज के चौंतीस मिनट से। तो अभी मैं चल पड़ी हूँ जी लाइब्रेरी, और सामने सूर्य देवता जी भी उदय हो चुके हैं। तो आज जल्दी हो चुके हैं कि मैं लेट हो चुकी हूँ। कल उस टाइम बिल्कुल भी सूर्य उदय नहीं हुआ था, तो अभी तो हो चुका है। तो अब चलते हैं जी, थोड़ा लेट हुई हूँ तो थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा मुझे अभी। तो ये है जी आज का इधर का व्यू। सामने दिख रही है जी सिमेट्री, और मौसम के बारे में बता दूँ तो आज है जी हल्के हल्के बादल। तो इधर भी बादल है, इधर भी बादल है, और सामने इधर खिल चुकी है जी धूप। सामने के लिए शाम के टाइम बहुत अच्छी धूप लगती है, अभी तो लेट लगती है। तो अब ये वाले फूल भी किसी टाइम बहुत अच्छे खिले होते हैं, तब इनका टाइम भी आ चुका है। अभी मुरझाना शुरू हो चुके हैं। तो अभी जो अंकल गए तो ये भी मुझे इधर ही मिलते हैं, तो ये लेके जाते हैं जी दूध। जो लोगों ने इधर लोकल दूध लगाया हुआ है तो ये सुबह सुबह वही दूध उनके लिए पहुंचाते हैं। तो इसका मतलब मैं लेट नहीं हूँ, अंकल भी ठीक टाइम है, क्योंकि एक अंकल मुझे यहाँ पे मिलते हैं, एक अंकल मुझे नीचे रूम के साथ ही मिल जाते हैं। तो सामने वाली साइड को बहुत अच्छी धूप खिल चुकी है, और मैं भी इधर रोड में पहुँच चुकी हूँ। तो अभी इधर उतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है जितना शाम के टाइम होता है, नो एंट्री के टाइम। तो जी ये वाला डॉगी लग रहा है जी ऑस्कर की तरह, ये मुझे डेली ऑस्कर की याद दिला लेता है। तो चलो दोस्तों, मैं भी अपने इस ठंडे नाले में पहुंच चुकी हूँ। आज तो कैफ भी नहीं, आज तो कुछ भी नहीं है, तो आज मुझे ठंड ज्यादा लगेगी, क्योंकि यार एक ऐसी हवा लगती है ना आगे सामने से, भाई पता ही नहीं कहाँ से आती है हवा, बिल्कुल भी पता नहीं लगता है। तो सामने ये यहाँ पे लगती है जी बस है, अगर आपने लक्कड़ बाजार या आगे ओल्ड बस स्टैंड कहीं भी जाना होगा तो यहाँ से बसें लगती है। सामने आ रहा है जी ट्रक और बस, इतनी सारी बसें इकट्ठी आ रही है। सामने धूप लग चुकी है और बाकी लगने वाली है। तो इधर देखे जी, तो यहाँ मिले जी नन्ने मुन्ने डॉगी से, इनसे दूर दूर होके चलती हूँ, नहीं तो खाने पड़ेंगे मुझे इधर के लिए। दो बड़े हैं, दो छोटे हैं, सामने भी एक है ब्लैक कलर का। तो दोस्तों आज ना इधर को कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, बहुत कम। तो आगे एक आंटी है, आंटी के पीछे पीछे मैं चली हुई हूँ, क्योंकि इधर ना बंदर होते हैं, तो इनके हाथ में छड़ी है, तो इनके पीछे भी जाती हूँ, बचा तो लेंगे मुझे। तो यहाँ देखिए जी आंटी। तो दोस्तों आज ये रास्ता सुनसान ही लग रहा है, नहीं तो बहुत लोग होते थे, आज तो कोई है ही नहीं। इधर बंदर ने भी बढ़िया से धूप सेक रहे हैं, तो दो इधर है, एक ऊपर है, तो एक बैठा हुआ है जी सामने, एक परे भी बैठा हुआ है। तो ये भी धूप का बड़ा आनंद ले रहे हैं। तो उधर मेरी बोतल भी फुल हो चुकी है, पानी वेस्ट हो रहा है भाई मैं व्लॉग के चक्कर में। तो गाइस मेरा लंच भी हो चुका है, और अब चलते हैं जी हम लाइब्रेरी की ओर। तो अभी मुझे जाना है जी सामने सामने सामने
मैं तो आ चुकी हूँ लाइब्रेरी से। तो अभी ये टाइम हो रहा है, 4 बज चुके हैं, तो मैं आई हूँ। इधर है मेरे साथ दीदी मनत और दीपाली। दीपाली अभी हम इधर मार्केट आए हैं, तो आज मनत का लास्ट पेपर था, उसके बाद ये भी घर जा रही है। घर तो हमने सोचा इधर थोड़ा घूम लेते हैं, मुझे थोड़ा सामान भी लेना है, इसको भी लेना है। अभी हम इधर आए हुए हैं, अभी लोअर तो दोस्तों अभी जा रहे हम रिपन हॉस्पिटल, तो हमें वहाँ से कुछ दवाइयाँ लेनी है, मुझे भी लेनी है, मनत को भी लेनी है। तो मैं आपको रिपन हॉस्पिटल भी दिखा देती हूँ। IGMC तो मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ, अब रिपन भी दिखा देती हूँ। तो मन्नत तो दवाई ले रही है और मैं दवाई लेके फ्री हो चुकी हूँ। तो अब दिखाती हूँ जी मैं आपको इधर का। तो ये वाला है जी रिपन हॉस्पिटल। तो इधर मन्नत को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, बता दे रहा मन्नत नाम बता तू क्या? क्रीम का नाम ही याद नहीं। हम लेने पहुँच चुके हैं और हमें नाम ही बिल्कुल भी पता नहीं है। तो ये वाली पुरानी बिल्डिंग है रिपन हॉस्पिटल की, तो न्यू बनी हुई है जी ये वाली जो नीचे दिख रही है। अभी निकल रहे हैं जी हम, अभी वापस जा रहे हैं ओल्ड बस स्टैंड होके, साथ में तरफ जा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद जा भी रहे हैं, आखिरकार मन्नत को वो क्रीम नहीं मिला। तो आसमान में देखे जी कितने ज्यादा बादल आ चुके हैं, और तो इधर बस भी लगी हुई है, हमें शायद मिल जाए संजौली के लिए। तो इधर लोग भी बहुत ज़्यादा, क्राउड बहुत ज़्यादा है बस के लिए, पर नहीं यहाँ पे नहीं लगी है। परे जाना है मन्नत, परे जाना है, यहाँ पे तो नहीं है, वेट करना पड़ेगा। ये पंथाघाटी जा रही है आगे, तो हम आगे लक्कड़ बाजार बस स्टैंड होके ही जाएंगे। तो देखे जी ये है जी टनल, इधर को तो बस सही बसें आ रही है, हमारे लिए बसें नहीं आ रही है भाई। तो दोस्तों मैं पहली बार इस वाली टनल में जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम, आज से पहले मैं कभी नहीं गई हूँ। आपको भी दवाई टनल में थोड़ा घुमाती हूँ। तो अभी यहाँ पे बस आएगी जो यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे बस लगेगी। तो दोस्तों लोगों की बसें आ रही है, हमारी बस सही नहीं आ रही है संजौली के लिए। आखिरकार हमें बस मिल ही गई, वो भी अमरजीत बस। तो इधर दो फ्रेंड है अभी जुदा हो रही है, आज बहुत दिनों के बाद मिलेगी अब तो बाय। तो इधर चल पड़े हैं जी हम वहीं अपने मोमोज वाले भैया के पास। तो इधर गरम गरम मोमोज के साथ मन्नत स्वाद लेती हुई, कितने महीने बाद दो मन्नत खा रही है, 2 महीने बाद। अच्छा अभी आया है, आज 22 है, 10 दिन तो आप खुद बोल रहे हैं मैं 11 को आई हूँ। कैसा है? तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जी रूम के लिए, और अंधेरा भी हो चुका है, स्ट्रीट लाइट भी जल चुकी है, और आज है जी 22 दिसंबर। आप सबको पता होगा 22 दिसंबर को क्या होता है, आज होती है जी सबसे बड़ी रात। लगा तुझे कि सबसे बड़ी रात है आज? मेरे को लग तो नहीं रहा है, क्योंकि दिन आज के बाद घट जाएगा ना, दिन आज के बाद बढ़ जाएगा, रात दिन बढ़ेगा, आज घट जाएगी, हाँ रात घट जाएगी, बट मेरे को तो सेम ही लगता है। पर हमारे को एक जैसे ही लग रहा है, क्या पता, पर ये है कि आज के बाद होता है ना, अब दिन बढ़ना शुरू और रात घटना लगी हो जाएगी शुरू। तब चलते हैं, बहुत अंधेरा हो रहा, तो यहाँ स्ट्रीट लाइट जली हुई, सो जाए, थोड़ा व्लॉग बना देते हैं। सामने है जी सिमेट्री का व्यू, सुबह का व्यू आपने देखा होगा किस तरह का था, और शाम का व्यू भी कुछ यूनिक सा है। तो इधर को तो अंधेरा ही है भाई, थोड़ा थोड़ा रास्ता दिख रहा है, तो हमारे लिए काफी है, इतना हमें दिख जाता है। तो चलो जी रूम भी पहुंच चुकी हूँ, तो रूम पहुंचने के बाद तो
सिर्फ एक चीज का ही अभी ध्यान रखना पड़ता है कि अभी डिनर में बनाना क्या है। तो मैं आज सोच रही हूँ, आज मैं बनाती हूँ जी मूंग की दाल और साथ बनाऊंगी राइस। तो मैं साइड ही रखती हूँ, आज राइस खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है क्योंकि चपातियां उतनी ज्यादा पसंद मैं नहीं करती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ मूंग की दाल कहाँ है ऊपर ये। तो मूंग तो मैं नहीं बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ जी आज मलका। इधर आप भाई से भी मिल सकते हो। तो आप लोग सोचते होंगे जब भी मैं इसको ब्लॉग में लेती हूँ तो ये शीशे के पास ही दिखता है ज्यादातर, तो क्या करें, शीशा देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर मैंने गैस पर चावल भी चढ़ा दिए और सामने वाले कुकर में मैंने मलका की दाल में तड़का दे दिया है और अभी जो इसका प्रेशर बना हुआ है उसको ढीला होने दे रही हूँ। तो उसके बाद गाऊंगी जी अच्छे से इसको अटने के लिए। तो इधर सेकते हैं जी अभी हीटर थोड़ी देर के लिए, कसम से बहुत ज्यादा ठंडा हो चुका है। तो सबसे ज्यादा ठंडे तो मेरे पैर ही होते हैं। और तो इसी के साथ आज के व्लॉग को करती हूँ जी मैं यहीं पे ही एंड, और अब मिलते हैं हम जी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। बाय बाय।